नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, साइज के हिसाब से इसे हमने अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। पूरी लंबाई इसकी 14.5 इंच ली है, तैयार लंबाई 13.5 इंच होगी। शोल्डर हमने 6-7 इंच 2 पॉइंट लिया है। आर्म होल 7 इंच लिया है। गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट लेंगे। गहराई इसकी हमने देखिए 10.5 इंच ली है, ऊपर से 2.5 इंच लिया है। तो ये जो ब्लाउज है, तो ये 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। और देखिए बोटनेक गले का डिजाइन है। ऊपर वाला गला हमने 2.5 इंच पर कट किया है। उसके बाद देखिए नीचे वाले गले का इस तरह से गले का शेप दे देंगे। अब देखिए इसको हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। तो देखिए जहाँ से ये गले का पूरा निशान अच्छे से समझ में आ रहा है, वहीं से पेस्टिंग पेपर के ऊपर निकाल लेना है, बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम लगभग 1 इंच बचाते हुए इसे कट कर देंगे। 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। अब अस्तर और कपड़े पर पहले सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बोटनेक गले का डिजाइन है। फ्रंट पार्ट यानी आगे के पार्ट में इसको हम डीप रखेंगे। तो आप चाहें तो बोट भी रख सकते हैं। बोट गले पर अगर आप आगे डीप रखना चाहें तो डीप भी रख सकते हैं। शोल्डर, आर्म होल और गले की चौड़ाई सेम लेनी है। अगर चाहें तो शोल्डर, जैसे हमने यहाँ पर 7 इंच 2 पॉइंट लिया है, तो आप फ्रंट पार्ट में 6 इंच ले सकते हैं। बाकी साइज अपने नाप के अकॉर्डिंग ही रखनी है, जो नाप आएगा उसके हिसाब से ही रख लेनी है। अब देखिए अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद देखिए बराबर से मोड़ते हुए एक सीधा निशान बना देंगे। अब गले को कपड़े पर रख के सिलाई लगा लें, या तो प्रेस करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद देखिए जो ज़्यादा कपड़ा है उसे थोड़ा सा बचाते हुए कट कर देंगे। बाद में इस कपड़े को फोल्ड करके तिरपाई लगाएंगे। अब देखिए गले पर जो ब्लाउज वाले कपड़े पर जो हमने गले का बिल्कुल सीधा निशान बनाया था, उस निशान को और ये वाला निशान जो है गले का, दोनों को देखिए मिला कर रखना है। थोड़ा भी तिरछा नहीं करना है, नहीं जो गला है तिरछा हो जाता है। उसके बाद देखिए हमने सिलाई लगाने के बाद इसको कट करेंगे। तो इस तरह देखिए कट कर दिया है। कट करने के बाद पूरे गले पर इस तरह से सिलाई बचाते हुए पूरे गले पर कट लगा देने हैं। तो इस तरह देखिए हमने कट लगा दिए हैं। अब इसको अंदर की तरफ पलटना है और यहाँ पर देखिए जो पूरा कपड़ा अच्छे से निकाल लेना है, थोड़ा भी दबा नहीं रहना चाहिए।
तो इसी तरह देखिए दूसरी साइड का भी कपड़ा अच्छे से निकाल लेना है, दोनों साइड अच्छे से पलट लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से इसको बना दिया है। उसके बाद देखिए गले के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है पूरे गले पर। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है, गला हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर हमें डिजाइन बनानी है। डिजाइन बनाने के लिए पहले देखिए इस तरह से सीधा कपड़ा कट कर लेना है। ब्लाउज वाले कपड़े से ही हमने सीधी पट्टी यानी सीधा कपड़ा कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से दोनों साइड से इसको मोड़ना है, उसके बाद एक बार और मोड़ कर सिलाई लगानी है, पट्टी तैयार कर लेनी है। इसी तरह से देखिए हम पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेढ़ डेढ़ इंच की कट कर लेंगे, तो जितनी लगेंगी उस हिसाब से इस तरह से बनाते हुए कट कर लेना है। अब देखिए इसको लगाना है, तो ऊपर वाले गले पर हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए नीचे वाले गले पर आधा इंच छोड़ते हुए, ऊपर वाली साइड से आधा इंच छोड़ते हुए सारी डिजाइनों को लगाना है। दो दो पॉइंट की दूरी रख लेनी है और एक बराबर से पूरे गले पर लगा देना है। इस तरह देखिए एक बराबर से हमने सभी डिजाइनों को लगा दिया है। उसके बाद देखिए अब इन डिजाइनों पर, डिजाइनों के बीच में एक एक मोती लगाकर अच्छे से इसको सेट करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर धागे को पक्का कर लेंगे, उसके बाद एक मोती लेंगे। तो जितना गैप दिया है मोती के साइज के हिसाब से ही देना है। अगर बड़ी मोती है तो पट्टी के बीच में थोड़ी और दूरी रख सकते हैं। जो साइज की इसमें मोतियाँ लगानी हो उतना ही गैप दे देना है दोनों डिजाइन के बीच में। उसके बाद देखिए इस तरह से मोती लगाएंगे और यहाँ पर धागे को पक्का करते जाना है और टाइट मतलब बराबर से इसको रखना है, ना ढीला ना टाइट, बराबर से धागे को खींच देना है। जितनी साइज है इनमें ज़्यादा खींचेंगे तो फिर डिजाइन अच्छे से नहीं बैठेगा, और ढीला रखेंगे तब भी नहीं अच्छे से बैठेगा, इसलिए इसको एक बराबर से लगा देना है। तो देखिए हमने पूरे गले पर मोतियाँ लगा कर डिजाइन को पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लेना है। अगर आप यहाँ पर डोरी लगाना चाहते हैं तो इस डिजाइन में यहाँ पर आप डोरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे, तो इसको पहले जोड़ लेंगे। अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो फिर इसको जोड़ना नहीं है, दोनों साइड से आप डोरी लगा सकते हैं बांधने वाली। तो देखिए हमने इसको जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर बटन लेंगे, बटन हमने रेडीमेड ली है, और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसको लगा देंगे। देखिए बटन को हमने लगा दिया है। अब देखिए इस पर हम लटकन बना लेंगे और दो लटकन इस पर हम लगाएंगे, बटन के पास दो लटकन लगा देंगे। तो देखिए ब्लाउज वाला कपड़ा हमने जो छोटा सा लिया है उस कपड़े से लिया है, बाकी छोटे छोटे अस्तर के कपड़े से ये इस तरह से छोटे छोटे से कपड़े कट कर लेने हैं। तो देखिए इन कपड़ों को इस तरह से गोला बना लेना है, और इस वाले कपड़े में भरने के लिए हम बनाएंगे। और जितनी बड़ी ये बटन पोटली बनानी है उतना ही कपड़ा इसके अंदर भरना है। तो देखिए हमने कपड़ा भर के यहाँ पर टाइट से धागे से इसको बांध दिया है। उसके बाद दो चार बार धागे को पक्का करके ही कट करना है। इसी तरह हमने दूसरी भी बना ली है। अब देखिए इस तरह से लटकन हमें बनानी है। सिलाई वाली साइड, जिस साइड सिलाई लगी है उस साइड इसको लगाना है। अब इसके ऊपर हम छोटी छोटी सी मोती डालेंगे।
तो जितनी बड़ी ये लटकन रखनी है उस हिसाब से मोतियाँ इसमें डाल लेनी है धागे में। तो इस तरह देखिए मोती हमने डाल दी है। अब देखिए इस तरह से बटन के पास ही इसको ले जाके यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे। तो कई बार देखिए सिलाइयाँ लगाते हुए धागे को यहाँ पर पक्का करके कट करना है, नहीं तो ये खुल जाएगी फिर। तो देखिए हमने एक लटकन लगा दी है, इसी तरह से हम दूसरी भी बनाकर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम दो लटकन इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए हमने दोनों लटकन लगा दी है, डिजाइन हमारा बनके तैयार है। लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो इस तरह आप सुंदर सा उल्टे दिल गले पर ये डिजाइन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान और सुंदर सा ये डिजाइन है, इसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और देखिए फ्रंट पार्ट में आप इस पर, ज़रूरी नहीं है कि बोट ही रखें, डीप गला भी अगर बनाना चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट में डीप रख सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।